कोई फीमेल पीछे से क्यों करवाती है। अब यहाँ पे मैं पीछे से करने की बात मतलब डॉगी स्टाइल में करने की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ वो डॉगी की तरह पोजीशन बना लेती हूँ और आप पीछे से आके इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो एनल सेक्स की बात कर रही हूँ, जो जिसमें बना बिल्कुल डॉगी जाता है लेकिन जो प्रवेश है वो वजाइना में ना होकर एनल में होता है। तो किसी ने मुझसे सवाल किया है कि कोई फीमेल एनल सेक्स क्यों करवा लेती है। देखो मुझे तो नहीं लगता कि कोई फीमेल बहुत खुशी खुशी एनल करवाना पसंद करती है, उनकी ये फेवरेट फैंटेसी में से एक होता है। ज्यादातर जो महिलाएं होती है वो इग्नोर ही करती है, वो जल्दी से राजी नहीं होती, बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं दिखाती कि हाँ मुझे पीछे से करवाना है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज होती है, बहुत ही पेनफुल रहता है ये एक्सपीरियंस। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने ये सवाल किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि कोई फीमेल पीछे से क्यों करवाती है, तो डेफिनेटली आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, किसी फीमेल ने आपको पीछे से करने के लिए बोला होगा या फिर आपको किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। तो इसके पीछे कुछ वजह शामिल हो सकती है, वही कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो नंबर वन, उसके पार्टनर की कन्विंसिंग पावर। किसी फीमेल को पीछे से करने के लिए राजी कर लेना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि अनकंफर्टेबल चीज होती है, पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है उसके लिए। फिर भी अगर कोई फीमेल राजी हो जाए तो इट मीन्स उसके पार्टनर की कन्विंसिंग पावर बड़ी जबरदस्त है, वो शोना बाबू करके प्यार प्यार से उसे किसी न किसी बहाने राजी कर ही लिया है। तो पहला कारण तो ये होता है। दूसरा, वो राजी भी इसलिए हो गई क्योंकि उसको उससे इमोशनली अटैचमेंट है, तो परस्पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो कपल के बीच में। उनके कनेक्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से कितना ज्यादा अटैच्ड है। ये इमोशनल अटैचमेंट चीज ही ऐसी होती है कि आपसे वो तक करा देती है जो आप सोच नहीं सकते। एक अजीब तरह का पावर होता है, बहुत पावरफुल चीज है अगर आप किसी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। दूसरा कारण, किसी फीमेल का खुद से ही तैयार हो जाना, मतलब उसके पार्टनर को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी उसे रिझाने की, उसे मनाने की, वो खुद से ही तैयार होगी, चल ठीक है यार कर लेते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है उसका खुद में इनसिक्योर फील करना। तो होता है ना कि कुछ सबमिसिव काइंड ऑफ फीमेल होती है, वो हमेशा हाँ ठीक है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी कर लूंगी वैसे भी कर लूंगी। उसकी जो शुरू से ही जो नेचर होती है वो सरेंडर करने की होती है। इस प्रवृत्ति की जो महिला होती है ना, वो दो बच्चों के बाद और ज्यादा इनसिक्योर होता है। दूसरा, वो राजी भी इसलिए हो गई क्योंकि उसको उससे इमोशनली अटैचमेंट है, तो परस्पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो कपल के बीच में। उनके कनेक्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से कितना ज्यादा अटैच्ड हैं। ये इमोशनल अटैचमेंट चीज ही ऐसी होती है कि आपसे वो तक करा देती है जो आप सोच नहीं सकते। एक अजीब तरह का पावर होता है, बहुत पावरफुल चीज अगर आप किसी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। दूसरा कारण, किसी फीमेल का खुद से ही तैयार हो जाना, मतलब उसके पार्टनर को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी उसे रिझाने की, उसे मनाने की, वो खुद से ही तैयार होगी, चल ठीक है यार कर लेते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है उसका खुद में इनसिक्योर फील करना। तो होता है ना कि कुछ सबमिसिव काइंड ऑफ फीमेल होती है, वो हमेशा हाँ ठीक है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी कर लूंगी वैसे भी कर लूंगी। उसकी जो शुरू से ही जो नेचर होती है वो सरेंडर करने की होती है। इस प्रवृत्ति की जो महिला होती है ना, वो दो बच्चों के बाद और ज्यादा इनसिक्योर